मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड द व्लॉग। एज यूजुअल कुछ देर से जैसे लेट स्टार्ट हो रहा है, तो आज भी थोड़ा सा लेट हुआ है। मतलब 10:56 हो रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम मैंने देखा था अभी, तो 10:56 हो रहे हैं। मतलब ये था, लेट उठी, काफ़ी देर से सोई भी थी। फिर उसके बाद जो है गोलू का स्कूल, और ये कपड़े बहुत ही बुरी तरीके से फैले पड़े, क्या दिखाऊँ यार। तो कल जैसे तैबी बनवाई मैंने, तो फिर वो ना वही क्लब का टाइम हो गया था, मुझे क्लब में जाना था, उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी फिर से रेडी हुई। एनीवेज़, कल है मेरी किटी किटी की थीम है मिनिएचर, एंड इसमें मेरी फ्रेंड मेरी बहुत हेल्प कर रही है, जिसने एक्चुअली ये थीम मतलब बनाई थी, मतलब कुछ लाई थी चंदौसी में बनाया, तो वो मेरी हेल्प कर रही है काफ़ी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मेरे पास बहुत शॉर्ट है टाइम का, मतलब टाइम है ही नहीं मेरे पास, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अरेंज कर रही है मेरे लिए। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हर, ऐसे फ्रेंड्स सबको नहीं मिलते, किस्मत वाले। सो गाइज, अभी तो ना बस काम वाम स्टार्ट किया है, स्टार्ट नहीं किया है, काफ़ी मैंने कर भी लिया है। एंड ये है मेरी थीम है एक्चुअली मिनिएचर, तो इस तरीके से मैंने ये बनाई है तंबोला। तो ये मेरी तंबोला बने, सब कुछ मिनी मिनी चीज़ें हैं। एंड अगेन मैं कहूँगी, ये इसका पूरा आइडिया ना मुझे मेरी फ्रेंड से मिला था, उन्होंने भी अपने घर पे ना किटी करी थी, तो एट लास्ट फिर मैंने वही थीम फॉलो कर ली। और बाकी तो वो सब चीज़ों में मेरी हेल्प कर ही रही हैं, जो जो चीज़ उन्हें चाहिए है मेरे से। ये तो छोटे छोटे आइटम्स क्राफ्ट वाले थे, हालांकि थोड़ा सा टाइम लगा था इन्हें बनाने में, पर ठीक है, बनते चले गए। मैं कल बैठी 1.5-2 घंटे, सुबह बैठी 8-5 घंटे, एंड देन अब बैठी हूँ 1 घंटे से, तो ये मेरा हो चुका है। अब ये तो मेरी हाउसी कंप्लीट हो गई, बस इसमें कैश भी, पता है मेन चीज़, इसमें कैश भी आप हाथों हाथ रख सकते हैं, अलग से एनवलप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी नंबर्स जो है, जब ये सूख जाएंगे ना, मैं भी ड्राइंग रूम में रखूँगी, तेन नंबर्स मेंशन करूँगी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, एंड इमेजिन नहीं करोगे, थक गई सुबह से। पहले का पहले पूरी सफाई, इतने दिन से ना तम प्रॉपर तमीज़ में सफाई भी नहीं हो रही थी। आप किटी घर पे करोगे तो होगा होगा होगा। तो अभी मैं बस हाउजी वाउजी बना के चुकी हूँ, अब बाकी सारी चीज़ें प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ किचन में, खाना बनाना है, चटनी पीसनी है, मटर वगैरह सब कुछ भूननी है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो बस चलती हूँ भगा इस किचन में अभी। तो भाई आ चुकी हूँ मैं, खाना बना के आ गई है, और इसके बाद गोलू भी आ चुका है, गोलू भी कर रहा है अभी लंच, साथ साथ देख रहा है क्रेजी एक्स वाई जेड। फॉर्मेलिटी के लिए लंच कर रही हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी हो रही है। फ्रेश पैसो है, क्योंकि फ्रेश पैसो यहाँ से दूर है काफ़ी, और 3 लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग ऑटो से ही जाएंगे, स्कूटी का सवाल ही नहीं है। आधा घंटा लगेगा, और तो बस मैं जल्दी से खाना खा के तैयार हो रही हूँ। कितने बजे की है? 4:15। 4:15 तो 3:30 निकलना, थोड़ी देर में निकल लूँ। सो गाइस, मैं अभी आ चुकी हूँ, एंड आज का जो हमारा मेन्यू है वो है सामने दिख रहा है, फ्रेश प्रेसो। तो फ्रेश प्रेसो पे मैं, सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, जस्ट आई हूँ मैं किटी से। मेरी मम्मी बहुत थक गई है, जस्ट किटी से आई हूँ, सच्ची कहूँ इतना थक गई बेहिसाब, क्योंकि सुबह से नॉन स्टॉप काम चल रहा है, अभी इतना काम हो रहा है ना, इतने दिन से हम लोग डांस में बिजी थे, अब किटी है मेरी। कल एक ही दिन मुझे प्रिपरेशन को मिला था, तो उसकी वजह से जो है, हालांकि प्रिपरेशंस मैंने बहुत सारी कर ली हैं, और कुछ मैंने अपने फ्रेंड से भी हेल्प ली थी, तो अब वो जो उसने मटेरियल दिया था उसको फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। 5 मिनट को सोच रही हूँ, 5-7 मिनट को थोड़ी देर कमर सीधी करूँगी मैं, दैन उसके बाद ही मैं उठ के वापस से काम करूँगी। और दूसरी चीज़, ये मेरी ग्लू गन थी जो खो रही थी, कई दिन से यूज़ ही नहीं हुआ था, है वही मैं मिली थी, दिखी मतलब दिखी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं जो हूँ इसका ग्लू गन मिल गई मेरी। इधर अब जो है गोलू जो है पढ़ाई करने स्टार्ट कर दिए, ये मैं अपना सामान वामान सब लेकर आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब से है अपना काम करना, लेकिन उससे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, एंड दान में थोड़ा तो खोल गया इतनी देर में। तो मम्मी यहाँ पे कुछ मतलब दवाई मिला रही हैं, मिला नहीं रही हूँ, पी रही हूँ, मिला रही हूँ।
बोलू बहुत गंदा टेस्ट है इसका। अच्छा बहुत बुरा, ट्रांसपेरेंट लग रहा है बिल्कुल, बहुत बुरा टेस्ट है। कैसा लगा? बहुत बुरा। मैं लगा दी थोड़ी देर ये चार्जिंग पे, इसको गर्म होने पे। ठीक है ये है तो हाँ मिल गई मेरे को। अब उसमें ये इसमें लगा दो चार्जर। हाँ लगा दीजिए। क्या मतलब जब हमें आवाज दे दी? कुछ है नहीं बनने को तो मेरे को। अच्छा कुछ भी नहीं है वो तो मैं इनको ना। हाँ नहीं रविंद्रनाथ टैगोर अलग आएगा। सो गाइस वेट इज़ ओवर, और वेट इज़ ओवर पेट नहीं वेट। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरी फ्रेंड ने देखो मेरे लिए क्या चीज़ रेडी करी थी। तो ये उसने मेरे को दिया है कम्प्लीटली, हालांकि वो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन ना जो नॉर्मल फ्रेंड्स वाली जोन में आ जाती हूँ मैं तो कंफर्ट जोन में, तो उसमें मेरे से निकलता है उसने तो ये मेरे ना उस मेरे उन्होंने सॉरी मेरे लिए रेडी कराया है। देखो कितने प्यारे तरीके से रेडी कराया उन्होंने ये सब कुछ। इन्होंने ये सब मिनिएचर की थीम है ना, छोटी छोटी चीज़ें ना उन्होंने मुझे रेडी कर करके सब दे दी हैं। ये देखो अब मैं इनको दिखाऊंगी। ये देखो कितनी कितनी मतलब बहुत बारीक काम करा है ये सब। ये कल मैं दिखाऊंगी, मतलब दिखाऊंगी क्या, कल मैं किटी में ये दूंगी ये इस तरीके से। अभी मैं इसको फाइनल टच देती हूँ। हाँ बेटा मेरे को लेस ही लाना भूल गई, लेस लेने चलो पहले तो। भाई इसमें चूहा नहीं हो, यहाँ पे चूहों ने। चलो मिल गई लेस मिल गई। आ जा भाई। चलो हो गया काम मेरा, इतना तो थैंक गॉड हो गया। ये देखो सारा सामान कैसा हो रहा है मेरा। गोलू बेबी जल्दी से चालू करूँ काम, एटलीस्ट पापा के आने से पहले थोड़ा बहुत निपटा लूँ मैं। क्या अभी तो मम्मी ने स्टार्ट कर लिया है काम करना। और भाई देखो अभी मतलब इतना फैला नहीं है, जब पूरा काम हो जाएगा तब फैलेगा। और अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ और मम्मी यहाँ पर काम कर रही हैं। तो फिर आप इसको छुटाओगे अब? हाँ उसमें कैची थी, उसमें छोटी छोटी कैची है। तो पापा ने खाना खा लिया और अभी तो हम लोग जा रहे हैं मेले, मतलब घूमेंगे बस बाहर से देखेंगे, अगर पापा का मन हो तो हम लोग अंदर भी जा सकते हैं। तो पापा आपका क्या ख्याल है, अब अंदर जाओगे? चलो पहले खा लो, कौन से खाओ। अभी तो हम लोग जा रहे हैं मेले। और गाइस अभी तो हम लोग आए हैं आइसक्रीम वाली स्टॉल पे और सबका वेट हो रहा है कि आइसक्रीम। अरे आ गई तो दीदी आपको चलो भाई खा गए। हम लोग आ चुके हैं मेले से और गाइस अभी तो हमने खाया था थोड़ा सा पान, मतलब थोड़ा मीठा हो जाएगा। और अभी तो हमने ज़्यादा कुछ खाया तो नहीं उधर, जैसे कि हमने देख लिया हमने क्या क्या खाया। और यहाँ पे मम्मी दोबारा मतलब अपना काम कार्यक्रम कर रही हैं। और क्या करूँ मैं, ब्लॉग एंड कर दूँ? तो गाइस अभी तो मैं करूँगा थोड़ी सी पढ़ाई, क्योंकि बस मेरा थोड़ा लिखना रह गया था। अब मैं करता हूँ पढ़ाई और मम्मी यहाँ पे अपना करेंगी काम। सो गाइज अभी फ़िलहाल तो मैं हूँ मैं ड्राइंग रूम में, जस्ट आई हूँ मतलब जस्ट आई हूँ। और मैं दिखाती हूँ प्रिपरेशन से, ये हाउजी तो आप लोगों ने देख ली थी मेरी, हाँ मैंने किस तरीके से मिनिएचर वाली हाउजी बनाई है। एंड ये बहुत अच्छा सा आइटम है। तो ये बास्केट्स एक्चुअल में ये बास्केट्स मुझे मेरी फ्रेंड ने रेडी करके दी हैं फॉर माई किटी। उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि हाँ बिज़ी शेड्यूल है और मैंने बोला तो बोली हाँ ठीक है मैं कर दूँगी। इसका एक अलग ही क्रेज़ है, तो इसका क्रेज़ तो मैं कल खोलूँगी सीधे, इसका कोई क्रेज़ अभी कुछ नहीं खोलूँगी मैं। एंड ये भी ये देखो ये मिनिएचर होम है, तो ये भी मेरी फ्रेंड ने मेरे को रेडी करके दे दिया। अच्छा वन मोर थिंग गाइस, मैंने अभी तक आप लोगों को ड्राइंग रूम का टूर नहीं दिया है, तो मैं अभी नहीं दूंगी,
इस किटी के बाद मैं, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं जो उसमें रह गई हैं, तो उसके बाद मैं ड्राइंग रूम का टूर दूंगी। क्यों भाई सोना नहीं है? है 12:30 बज रहे हैं, सो रहा हूँ। नहीं हो रहे, सुबह उठेगा नहीं? तो है अपनी एक तो मैं सोंगे, सुबह को जाएंगे ना स्कूल। अरे सॉरी, व्हाट डू यू वांट टू सेंड मेंटेन गोलू? चल सो, 12:30 बज रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू सेंड मेंटेन व्हाट डू यू वांट टू सेंड मेंटेन ये पकड़ ले तेरी, और ये आप लोग इससे पकड़। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:30 और जो है बस हमारे घर में ये ड्रामे चल रहे हैं थोड़े से। तो भाई अभी तो मेरी ब्लॉग एडिट करना है, पोस्ट करना है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल दैन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।